नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कई सारे अहम फैसलों में से एक फैसला था गौवंशों की सुरक्षा। इसके लिए योगी सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जारी किया और गौशालाओं का सुसज्जित तरीके से निर्माण करवाया गया। पर आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबरें सामने आती हैं जो इसकी धरातल स्थिति से अवगत आप सभी को करा देंगी। एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का, जहां बबेरू तहसील के टोला काला गांव में 3 गौवंशों को बुरी तरीके से घसीट कर ले जाते हुए ट्रैक्टर के द्वारा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल हो जाने के बाद हमने अपने संवाददाता को मौके पर भेजकर यह जानने की कोशिश करी कि इस वीडियो की सत्यता आखिर है कहां तक। तो आपको बता दें, जिस व्यक्ति या जिस ग्रामीण के द्वारा यह वीडियो बनाया गया था उससे भी R9 भारत ने बातचीत करी है। यह सनसनीखेज खुलासा हम आपको बता दें, किस तरीके से गौवंशों की सुरक्षा के प्रति सजग और जागरूक रहने वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह वायरल वीडियो, जिसमें कैसे 3 गौवंशों को पूरी तरीके से ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा है, और उसके बाद आपको वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से भी रूबरू कराएंगे। तुम बढ़ाओ आप। क्या नाम है भैया? अयोध्या प्रसाद नाम है बाबूजी। कहाँ रहते हैं? टोला सिमौनी में। ये सिमौनी से एक वीडियो वायरल हुआ, ये टोला से जी वीडियो वायरल हुआ है जो ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा है गौवंशों को जी। क्या है, आपने वीडियो बनाया था? जी वीडियो बनाया है हमने। और उस टाइम में ट्रैक्टर में 2-3 गाय बांधी भी जा रही थी, एक लड़का बांध रहा था, और ट्रैक्टर प्रधान का है, ड्राइवर दूसरा है, लाला यादव नाम है ड्राइवर का। तो वो जो वीडियो बनाया गया है, वो गाय गौवंश को कहाँ घसीट के ले गए हैं? पीछे साइड को घसीट के ले गए हैं उस साइड में। अब वो कहाँ लेके गए हैं, कहाँ नहीं लेके गए हैं, ये नहीं बता सकता। बाकी गौशाला की गाय हैं सब। और इसमें हमें धमकी भी बाबू दिया जाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और अगर हम किसी की शिकायत भी नहीं अभी तक किए हैं, किसी के पास गए भी नहीं, तो भी हमें धमकी दिया जाता है कि हम तुम्हें गोली से मार देंगे। और ये कल रात की बात है। तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी स्थिति जस की तस है। हालांकि इस पूरे विषय पर जब हमने प्रधान प्रतिनिधि से बातचीत करी तो वह सीधे सीधे उतर गए कि यह वीडियो उनके यहाँ का है ही नहीं, पर सच्चाई सबके सामने थी, जैसा हमारे संवाददाता शिवविलास शर्मा ने इस पूरी पड़ताल में आप सभी तक रखी है। कल्लू नाम है सर। कल्लू कहाँ रहते हैं? टोला कला। टोला कला से एक वीडियो वायरल हुआ है जो ट्रैक्टर से गौवंश को घसीटा जा रहा है जी। कहां का वीडियो है? पूरी यही चढ़ान का है। हाँ, तो बताएं क्या है, कहाँ की गाय थी? यही गौशाला की, यहाँ जा रहा था। कहाँ लेके गए हैं? ये साइड गए, हम यहाँ निकल गए, हम ये नहीं देखे कहाँ ले गए, यहाँ हमारा उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, वीडियो इसी जगह का? इसी जगह का है। अच्छा, ग्राम प्रधान या प्रतिनिधि या उनके घर से लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो इसी जगह का है। इसी जगह जी। गाय कहाँ की थी? गौशाला की। गौशाला की जी। किसके ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा था? ट्रैक्टर इन्हीं का था, ड्राइवर दूसरा था जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि टोला कला। आपके गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है जो ट्रैक्टर में बांध करके गौवंश को घसीटा जा रहा है, मृत जानवरों को, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ का वीडियो है नहीं, मेरे यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं, सर भी आए हैं, देख पा रहे हैं, आप भी आए हैं, देख लीजिए, मेरे यहाँ का एक वीडियो है नहीं, दूसरा वीडियो जो है वो मेरे यहाँ का है। उसमें हालांकि प्रतिद्वंदी है वो SC कैटेगरी का, उसने मेरे ऊपर SC ST भी लगा रखा है, और वही जानबूझ के मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। हालांकि उस वीडियो में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं दिख रही है। मुझे वीडियो को तो गांव के लोगों ने बताया कि नहीं गांव का ही है, ये यही नज़दीक का ही है। नहीं, वीडियो मेरे यहाँ का नहीं है, मैं आपको भी बता रहा हूँ बार बार, मौके की पुष्टि कर लीजिए, मेरे यहाँ का वीडियो नहीं है। मेरे यहाँ जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनसे पूछ लीजिए, या उनकी कोई पुष्टि हो रही है तो देख लीजिए, मेरे यहाँ का नहीं। गौवंशों की वो हालत है कि बहुत से जानवर घायल हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? घायल 2-4 दिख रहे हैं, जिसको ऑलरेडी हम डॉक्टर साहब को अवगत कराते रहते हैं,
और डॉक्टर कल आए थे, कई बार फोन किया था, डॉक्टर कल आए हैं, कल अपना ट्रीटमेंट किए, इसके बाद देख के गए, आज उन्हें फिर से आना चाहिए, फोन किया गया, नहीं उठा।